Hello everyone, how are you? Okay, today's topic in class 9, graphical representation of motion. Most important topic in the chapter 1st. अब most important से कईयों के सवाल सीधे ही अतिंग सर इतना बता दूं कि ये पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, तो वो मतलब गारंटी हम नहीं कह सकते, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स और इसकी डेरिवेशन जो है वो दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर आता है पेपर के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या चीज है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर तीन इक्वेशंस होती है, कौन कौन सी वो थोड़ा सा हम एक बार यहां पर देख लेते हैं, क्योंकि जिस प्रकार आजकल कोई भी सीरियल आता है तो उसमें भी एड आने से पहले वो थोड़ा बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है, ताकि लोगों का इंटरेस्ट है वो बना रहे। तो इसमें आप देखो कि हम तीन इक्वेशन यहां पर लिख सकते हैं। फर्स्ट होती है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस। ये तीन इक्वेशन हमने यहां पर डिराइव करनी है, या हम कह सकते हैं कि इनको बनाने की ये कैसे बनती है, और मेथड यूज कर रहे हैं ग्राफिकल। वैसे इसके दो तीन मेथड होते हैं, एक तो एनालिटिकल मेथड होता है जिसमें नॉर्मली मैथमेटिकल अपने जो फॉर्मूला बोल करते हैं, और एक हायर क्लासेस के अंदर कैलकुलस मेथड यूज होता है, लेकिन ग्राफिकल मेथड जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर है और ये हमने यहां पे करना है। तो ग्राफिकल जो है या फिर ग्राफ वर्ड इसमें लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पहले हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि ग्राफ किस प्रकार यहां पर बनाते हैं। एक ग्राफ बनाने के लिए हम यहां पर डिस्टेंस और टाइम और वेलोसिटी और टाइम, दो तरह के ग्राफ इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने पढ़े हैं, लेकिन यहां पे हमने जो ग्राफ बनाना है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में बनाना है। तो टाइम आपको पता है कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं, इस तरफ आ जाएगा हमारा टाइम टी, और इस तरफ आ जाएगी वेलोसिटी। अब देखो कि हमने जो इक्वेशन लिखी थी, जैसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका मतलब इसमें फाइनल वेलोसिटी भी है और इनिशियल वेलोसिटी भी है। तो जब हम इक्वेशन डिराइव करने के लिए जो ग्राफ बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, तो हम एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं जिसमें हमने पढ़ा था ग्राफ व्हेन वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी नॉट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है उस चीज का ग्राफ बनाना है। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है तब ग्राफ स्टार्ट होता है ऐसे ओरिजिन से, लेकिन यहां पे हमने कंडीशन ये लगानी है कि इनिशियल वेलोसिटी मान लो जीरो नहीं है, तब ग्राफ कैसे बनेगा, तब ग्राफ बनेगा हमारा ऐसे। अब इसका मतलब क्या था कि यहां पे जैसे पॉइंट ओ आ गया और यहां पे हम लिख दिया ए, अब ये जो डिस्टेंस है ओ से लेकर ए तक ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है यू, पॉइंट ए तक की वेलोसिटी है यू, ये आ गया। हमने इनिशियल वेलोसिटी यहां पर जीरो नहीं ली, क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी यहां पर जीरो ले लेंगे तो जो इक्वेशन बनती है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें यू फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, यू नहीं आएगा, क्योंकि यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन हमने वैल्यू उसकी जीरो नहीं रखनी, उसकी वैल्यू लेकर आनी है, तब हम ऐसे ग्राफ स्टार्ट करेंगे। अब देखो कि ये ग्राफ किस जगह पे पॉसिबल है, ऐसे नहीं है कि हमने मनमर्जी से इसको बना दिया। जैसे स्टार्टिंग के अंदर मान लो कि हमने कहीं पे जाना है गाड़ी लेकर, अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है, सबसे पहले गाड़ी को ऑन करते हैं, फिर हम धीरे धीरे उसको घर से बाहर निकालते हैं, फिर हमारी गली जो है उसमें आ जाते हैं, उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे मेन रोड तक अपने पहुंचते हैं। तो सपोज करो कि जब हमारे घर पे हम खड़े थे तब गाड़ी हमने ऑन करी लेकिन अब तक चलना स्टार्ट नहीं किया, तो हम वेलोसिटी उसकी जीरो लेंगे। फिर हम जैसे ही घर से लेकर बाहर मेन रोड तक आते हैं, जो मेन सड़क होती है हमारी, वहां तक आए, उसके अंदर वेलोसिटी कभी हमारी कम हुई कभी ज्यादा हुई, तो एक फिक्स वेलोसिटी थी नहीं, तो इसलिए हमने ऑलरेडी पॉइंट यहां पर लिख दिया, क्योंकि उसने दो तीन बार चेंजेस किया अपनी वेलोसिटी के अंदर। तो सपोज करो कि जब हमारी गाड़ी मेन सड़क जो थी, हाईवे जिसको अपने कह सकते हैं, वहां तक पहुंची, तब तक स्पीड आ गई उसकी 10 किलोमीटर पर आवर। अब गाड़ी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब जब अपने वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हैं तो वो यहां पे जीरो, यहां पे फाइव और यहां पे 10, इस तरह से अगर अपने वैल्यू लिखेंगे तो पॉइंट ए जो है वो उस इनिशियल वेलोसिटी को बता रहा है कि जब हमारी गाड़ी हाईवे के ऊपर पहुंच चुकी है और स्पीड है उसकी 10 की स्पीड के साथ। उसके बाद क्या होता है कि गाड़ी यूनिफॉर्मली एक्सलरेट हो रही है, कंटिन्यू स्पीड बढ़ती जा रही है एक यूनिफॉर्म रेट के साथ, और इसमें हम पढ़ चुके हैं कि जब स्पीड यूनिफॉर्मली एक्सलरेट होती है तो स्लोप जो हमारा इस तरफ ऊपर चढ़ता है, तो इसलिए हमने ये बनाया ग्राफ, यानी कि ओ से लेकर ए तक इतना इतना पार्ट जो है ग्राफ का ये इनिशियल वेलोसिटी यू को शो करेगा, लेकिन अभी फाइनली हमारी गाड़ी जब वो यहां पे पहुंच जाती है तो इस पॉइंट को हम ऐसे नीचे की ओर ले आते हैं,
ये आ गया पॉइंट ओ ए, इसको पॉइंट बी लिख देते अपने यहां पर। पॉइंट बी जो हमारा है यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि देखो जो वैल्यू इस ग्राफ की यहां से लेकर यहां तक है उसके इक्वल हम यहां से वैल्यू पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस की वैल्यू बताएगा। तो पॉइंट बी जो है वो फाइनल वेलोसिटी के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि बी के सीध में यहां पर ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर या पे कोई पॉइंट अपने सी डी ई लगा देंगे, तो ये इतना इतना जो है ये फाइनल वेलोसिटी बी को बताएगा। तो जहां से ग्राफ एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली होना स्टार्ट हुआ है वो पॉइंट तो हमने ओ से लेकर ए तक यू बना दिया, और फिर ये जो वैल्यू थी ये लाइन यहां पे भी अपने लगा लेते हैं ताकि अपने को एग्जैक्टली आइडिया हो जाए कि वेलोसिटी चेंजेस कहां से यूनिफॉर्मली कहां से चेंज होना स्टार्ट किया। तो इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो अब ये जो वैल्यू थी बी जो है ओरिजिन से लेकर ऊपर तक, पहले पॉइंट लिख देते हैं ओ ए बी, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। अब इसमें सबसे पहले पॉइंट ओ से लेकर ए तक यू है, और बी और डी पूरी ये जो लाइन है ये फाइनल वेलोसिटी को बता रहे हैं, और इधर हम टाइम लेंगे ओ से लेकर डी तक, पी की वैल्यू पूरी यहां से लेकर यहां तक आ जाएगी। इस तरह से सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखो कि इस ग्राफ का जो स्लोप है ए बी, इसको हम स्लोप बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये ढलान होती है, ये स्लोप कहलाता है। ढलान आपने देखी होगी कि कई बार हम जाते हैं कोई भी सड़क के ऊपर, बड़ा ओवरब्रिज आ जाता है, ओवरब्रिज के ऊपर अपन ऐसे चढ़ते हैं, स्लोप बनता है। इसके अलावा दीवार के साथ मान लो ऐसे सीढ़ी लगा रखी है हमने, तो ये स्लोप बन गया एक। तो स्लोप जो बनता है या इस तरह की जो कंडीशन आती है वहां पे दो चीजें मैटर करती है। जैसे ये स्लोप हमने निकालना है, इसके लिए एक तो ये वाली डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है और हॉरिजॉन्टल कितनी है, इन दोनों की अकॉर्डिंग वैल्यू वेरी करती है। जैसे मान लो कि देखो ये हमने एक लाइन ले रखी है, अगर ये हमारा वर्टिकल हाइट ऐसे लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, अब इन दोनों को अपने आपस में ज्वाइन करेंगे ऐसे, जो स्लोप बनेगा वो कैसे बनेगा, इस तरह ऐसे। ये जो लाइन है या वो जो दिख रहा है ये इसका कर्व ढाल जो है स्लोप जो है ये बन जाएगा। अगर ये हाइट हम कम कर देंगे, ये इतनी हाइट रखेंगे, तब क्या होगा कि ग्राफ का जो स्लोप है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी कि अगर ये हाइट कम है और ये ज्यादा है तब ग्राफ का स्लोप बनता है ऐसे। अगर वर्टिकल इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल कम है, तो ये हाइट आ जाती है ज्यादा। तो इस तरह के अलग अलग स्लोप हमें देखने को मिलते हैं, तो इसके हिसाब से यहां पे अलग अलग एंगल क्रिएट होते हैं। हम यहां पे एंगल का केस कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी हायर लेवल की बात आ जाती है, थीटा वगैरह वो अपने बाद में पड़ेंगे। तो सीधा ये स्लोप, इसका ए बी स्लोप जो है वो यहां पे बता रहे हैं एक्सेलरेशन। हमने फर्स्ट इक्वेशन जैसे लिखनी है यहां पर एफ आई एस टी, फर्स्ट इक्वेशन एफ आई आर, इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहले एक्सेलरेशन की प्रॉपर्टी ए, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब यहां पर लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये डेफिनेशन होती है एक्सेलरेशन निकालने की। अब ग्राफ का स्लोप ए बी जो है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये आप ध्यान में रखना कि जो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होता है उसका स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप निकलता कैसे है, अगर हमने ए बी की वैल्यू निकालनी है तो ये जो वर्टिकल हाइट बी सी अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए सी, इन दोनों का रेशियो निकलता है। अगर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने तो बी सी अपॉन में ए सी, यानी कि सीधे शब्दों में बात करें एक खड़ी लाइन एक पड़ी लाइन, खड़ी लाइन और पड़ी लाइन का रेशियो स्लोप। अब बी सी जो है ये कितना है, क्योंकि देखो पूरा बी से लेकर डी तक ये इतना इतना हमारा किसके इक्वल है, इसके, यानी कि v फाइनल वेलोसिटी। पॉइंट b जो है वहां पर हमारा ये ग्राफ खत्म हो रहा था, तो ये पॉइंट फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू बता रहा है कि फाइनल वेलोसिटी यहां तक b है। हमने निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि देखो ये पूरी लाइन जो है इसमें सिर्फ फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इतना पार्ट इसमें
सीडी जो है इनिशियल वेलोसिटी का भी इंक्लूडेड है, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल जब माइनस करते हैं तब हमारे पास चेंज आएगा, तो बीसी की जो वैल्यू निकलेगी इतना इतना सा पार्ट अगर आप निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा बी से लेकर डी तक लेते हैं, बी डी इसमें से अगर सी डी माइनस कर दें तो हमारे पास बीसी की वैल्यू बच जाएगी, तो बी डी माइनस सी डी अपॉन, अब देखो एसी जो है वो ओडी के इक्वल है तो हम यहां पे ओडी लिख सकते हैं, ओडी हम क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हम यहां पे टी की वैल्यू ले रहे हैं, अब ओडी हम लिख ही सकते हैं ले नहीं सकते क्योंकि ओडी बहुत महंगी आती है, तो इसलिए हमने यहां पे ओडी लिख दिया। अब देखो बीडी जो है बी से लेकर डी तक ये फाइनल वेलोसिटी वी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी जगह वी आ जाएगा, सीडी सीडी एओ के इक्वल है पैरेलल है तो ये यू के इक्वल आ जाएगा और ओडी अपॉन में टी आ जाएगा, तो कंडीशन लग गई चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, हमने ग्राफ में से देख के लिखना है कि ग्राफ में से फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या चीज आ रही है, और अपॉन में टी आ गया और ए बी की जगह पे एक्सेलरेशन आ रहा है, अब टी इधर आ जाएगा, ये ए टी बन गया, ये वी माइनस यू बन गया, माइनस का यू दूसरी तरफ जाके प्लस का यू हो जाएगा, यहां पर वी रह गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन निकालनी है, प्रॉपर्टीज लगानी है इसके अंदर एक्सेलरेशन की और स्लोप वाला कंसेप्ट वो लगाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये इक्वेशन हम यहां पे लिख देते हैं क्योंकि ये आगे भी हमारे काम आएगी, क्लियर यहां तक। उसके बाद आगे देखो सेकेंड इक्वेशन निकालनी है, जिसके अंदर हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखो सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमने ये देखना है कि पहले में तो हमने ये देख लिया वेलोसिटी के अंदर चेंजेस कितना है और टाइम की वैल्यू यहां पर क्या थी, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अभी हमने ये देखना है कि गाड़ी जब स्पीड चेंज आता है तो वो डिस्टेंस कितना कवर करती है, यानी कि हमने एग्जांपल लिया था कि हम हमारे घर से हम कहीं जा रहे हैं तो हमें टाइम बता दें कि आपने 10 या 15 मिनट के अंदर इतनी स्पीड के साथ गाड़ी चलाई है तो हम कहां पहुंचे, कितनी डिस्टेंस कवर की गई है, वो भी हमें निकालने के लिए एक इक्वेशन यहां पे चाहिए होता है, तो वो ग्राफ से कैसे निकलता है, तो उसके लिए सीधा कंसेप्ट है यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, निकाल डिस्टेंस रहे हैं उसको निकालने के लिए एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है, कौन सा, जितना जितना इस स्लोप के नीचे गई है, स्लोप है ए से लेकर बी तक, इसके नीचे जितनी भी चीजें हैं यानी कि ये सारी जो ये इतना एरिया जो है ये अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, तो एरिया देखो कहां से बन रहा है, ओ से ए, एरिया ओ ए, फिर बी सी डी और फिर वापिस ओ तक, इस तरह से यहां से ऐसे चले ऐसे जाकर नीचे फिर वापस यहां तक, तो ये इतना इतना जो एरिया है वो अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। अब ये एरिया तो फाइंड आउट करते हैं हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहां पर हमने शुरू में एक लाइन लगा रखी थी, पूरा एरिया दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, एक यहां पर रेक्टेंगल की फॉर्मेशन बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों को अलग अलग पार्ट के अंदर इसको डिवाइड करके एरिया निकालें, तो जैसे हम यहां पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा बन रहा है, ओ ए सी डी, यहां पर आ गया ओ ए सी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, दोनों का एरिया निकालकर ऐड कर देंगे टोटल एरिया ये वाला निकल जाएगा हमारे पास और ये डिस्टेंस आ जाएगी, तो डिस्टेंस को देखो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एस के थ्रू, अब कईयों के मन में ये होगा कि फिर डी फॉर डिस्टेंस के लिए तो डी आना चाहिए एस क्यों आ रहा है, तो ये सिंबल्स ऑलरेडी यूज किए गए हैं तो ये स्टैंडर्ड है, इसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। अब रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है दोनों में से इस साइड का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो या इसका इसके साथ कर दो, लाइन की लेंथ इनटू ब्रेथ एक ही इसमें सीधा सा कंसेप्ट है, तो हम यहां पर लिखेंगे जैसे ए ओ, इन दोनों में से किसी एक को हम लिख सकते हैं, इधर से इसकी ये ए ओ आ गई, इधर से ओडी आ गया, अब ओडी से प्रेम देना कि बार बार अपने आप आ रहा है ओडी,
अब उसके बाद ट्राइंगल का एरिया 1/2, ये वाला इसका बेस ए सी इंटू हाइट बी सी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है या राइट एंगल बन सकता है, 90 का एंगल बनेगा, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लग सकता है। ए ओ की जो वैल्यू है वो यू के इक्वल है, तो हम यहां पे यू लिख सकते हैं। ओ डी ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यहां पे आ गया टी प्लस 1/2 ए सी, ए सी इसके अंदर ओ डी ए सी ए की बात है, दोनों ही टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि जितनी वैल्यू ये है उतनी ये, ये दोनों टी के बराबर है, तो यहां पे टी लिखेंगे अपने। बी सी क्या था, वी माइनस यू, जो पिछली क्वेश्चन में हमने लिखा था, चेंज निकला था पूरी वी में से यू माइनस करते हैं, तो ये बी सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब मल्टीप्लाई यू का टी के साथ, यू टी 1/2 हमने यहां लिख दिया इंटू टी। अब देखो कि जो वी माइनस यू है, ये फर्स्ट इक्वेशन यहां पे लिखी थी, ये यू अगर हम इधर लेकर जाते हैं तो वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, इसका मतलब वी माइनस यू की जगह पर हम ए टी लिख सकते हैं। ये वाला वी माइनस यू है, इसकी जगह हम लिख देंगे ए टी। तो देखो 1/2 इंटू टी ये पहले से था, इस वी माइनस यू की जगह पर ए टी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन वन से, ये आ गया। अब ये यू टी ऐसे बढ़ा रहेगा, 1/2 आगे आ गया, इस टी का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये पहला मेथड था जिसमें हम इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके निकालते हैं। सेकेंड इक्वेशन को निकालने का सेकेंड मेथड एक और है, जहां पे हम ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला है बोल करते हैं। अब देखो इसको एक बार मिटा देते हैं यहां से, तो मेथड वही है, एरिया निकालना है, लेकिन हम इस बार ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम आपको पता है, ये देखो ट्रेपीजियम के अंदर दो पैरेलल साइड्स होती है, एक ये आ गई और एक ये आ गई, यहां से लेकर यहां तक पैरेलल साइड्स और एक उन दोनों साइड्स के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये वाली, ये लेकर हम ट्रेपीजियम यहां पे यूज करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कहां से बनना स्टार्ट हो रहा है, ओ से लेकर, ओ ए बी सी डी और वापिस ओ तक। अब ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का जो तो फॉर्मूला है वो हम यहां पे लिखते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स का सम यहां पर आ जाएगा, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या इसमें इसको हाइट भी लिखा जाता है, कि कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहां पे ओडी को कंसीडर कर रहे हैं तो हाइट भी यहां पे आ जाता है। तो अब देखो कि पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक तो ये वाली और ये पूरी, इधर वाला यू था हमारा, या हम पहले ए ओ लिख सकते हैं फिर उसका सब्स्टिट्यूट यू पुट कर रहे हैं। उसी प्रकार दूसरी साइड है इसकी बी से लेकर डी तक, जो इस वी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम यहां पे यू प्लस वी ऐसे लिख देंगे, इंटू बीच में जो हाइट है या बीच में जो डिस्टेंस है ओ डी, ये टी के इक्विवेलेंट है, यहां पे टी आ जाएगा, ये आ गया। अब क्या करना है, देखो सेकेंड इक्वेशन तो निकलती है, उसके अंदर एक चीज आपने नोट करनी है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसके अंदर s का कहीं पर जिक्र नहीं है। जो सेकेंड इक्वेशन होती है उसके अंदर v यहां पर हमने एलिमिनेट करना होता है, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू नहीं होती, फिर भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और उसको निकालने के लिए फिर हम इस तरह की इक्वेशन बना लेते हैं पहले, यानी कि अब यहां से v को एलिमिनेट करना है। तो v को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, ये नहीं कि एलिमिनेट करना मुझे तो यहां से मिटा दिया तो एलिमिनेट हो गया, तो मैंने ऐसे कर दिया, कहते एलिमिनेट, ऐसे एलिमिनेट नहीं करना। एलिमिनेट कैसे करना है कि इसके इक्विवेलेंट कोई चीज यहां पर आनी चाहिए, इसके बराबर कोई वैल्यू यहां पर आनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो कि गांव में हमारे सिस्टम ये होता है कि कहीं पे हमने रिश्तेदारी में जाना है, एक बंदा हमारा पड़ोसी है उसको लेकर जाना है हमने, एन मौके पे वो कह रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं जा सकता, तो ये नहीं है कि उसको फिर रिजेक्ट ही कर दिया, उसकी जगह उनके घर से भी दूसरा बंदा हम ले जाते हैं, तो उस तरह वाला केस है यहां पर। अगर वी यहां पर नहीं आ रहा तो इसके ये वाले रिश्तेदार तो आगे पड़े हुए हैं यू प्लस ए टी वाले, वो हम लेकर चलेंगे। तो देखिए 1/2 यू पहले से था, इस वी की जगह पर फर्स्ट इक्वेशन से हम लिखेंगे यहां पर यू प्लस ए टी इंटू टी। अब पहले ब्रेकेट ऑफ करना है, यू और यू मिलकर
ये बन गया 2u प्लस 80 इंटू टी। अब इस t का मल्टीप्लाई अंदर इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, 2u के साथ t का मल्टीप्लाई ये बन गया 2ut, 80 के साथ मल्टीप्लाई at का स्क्वायर क्योंकि t का t सब स्क्वायर बन गया। अब 1.2 दोनों के साथ हमने लिखना है, इधर लिख दिया 1.2 इंटू 2ut, इसको दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई करना है 1.2 80 स्क्वायर, इस 2 से 2 कट गया इधर ut बच गया, यहां पे आ गया हाफ 80 स्क्वायर और s यहां पे ऑलरेडी है पहले डिस्टेंस के लिए, तो ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या है कि सेकंड वाला जो मेथड है वो हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए, आप कोई भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसको फॉलो करेंगे तो इससे थर्ड इक्वेशन जो है वो आसान हो जाएगी हमारे लिए। तो सेकंड इक्वेशन ये निकालनी थी s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इसमें v की वैल्यू आपको नजर नहीं आ रही, पहली इक्वेशन में s नहीं था, सेकंड में v नहीं है और थर्ड जो आएगी उसमें t नहीं होगा। थर्ड इक्वेशन हमने निकालनी है वो देखो ऊपर हम लिख सकते हैं यहां पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन में इतना जो काम है वो हम सेम लेकर चलेंगे, ट्रेपेज़ियम वाली जो प्रॉपर्टीज थी 1.2 u प्लस v और इंटू टी वाली। अब क्या करना है यहां से t को एलिमिनेट करना है, t नहीं आना चाहिए इक्वेशन के अंदर, तो t को एलिमिनेट करने का वही मेथड है कि उसका सब्स्टिट्यूट, तो जैसे पहले v और u था, u इधर ले गए v माइनस u आ गया, यहां पर at बच गया। अब अगर t को अकेला रखेंगे a इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ गया v माइनस u अपॉन में a इज इक्वल टू t। इस इक्वेशन में t की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है आपने, तो ये आ गया 1.2 u प्लस v इंटू v माइनस u अपॉन में a, t यहां से हमने हटा दिया। अब जो अभी सारे आपस में मल्टीप्लाई के अंदर है, इस 2 को हम a के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे यहां पर लिखा होगा हमारा, ये बन गया 2a, इधर क्या बच गया v u प्लस v इंटू एक सेकेंड, जैसे ये v माइनस u है, ये u प्लस v है, हम इनको अगर आगे पीछे लिख दें यानी कि अगर v पहले लिख दें u बाद में लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एडिशन हो रहे हैं। जैसे मान लो कि u की वैल्यू अगर 5 है और v की 7 है तो 12 आ रहा है, अगर आप 7 प्लस 5 लिखोगे तो भी 12 आएगा, तो हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं, तो हम इसको लिख दिया v प्लस u, इधर से आ गया v माइनस u। अब बच्चे समझ गए होंगे क्यों किया हमने, क्योंकि अब हमने यहां पर फॉर्मूला लगाना है जो ए स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर का होता है, जैसे a प्लस वी और a माइनस वी किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। ये करने के लिए हमने ऐसे किया था कि इधर भी अगर v पहले आया तो इधर भी v पहले आना चाहिए। अब ये a प्लस बी ये a माइनस वी इनका मल्टीप्लाई होता है तो ये इस फॉर्म में बन जाता है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, यहां पर आ गया वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अब ये 2a जो है s के साथ मल्टीप्लाई है वो चला जाएगा, ये 2as बन गया, इधर आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो जो थर्ड इक्वेशन थी वो ये आनी चाहिए थी हमारी। तो इस तरह से ये तीन इक्वेशन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% नहीं कह सकते, 90% पेपर के अंदर आपको ये प्रूव करनी आ सकती है, खास करके ऐसे वन के अंदर क्लास नाइन के अंदर जो एग्जाम होता है, ऐसे टू के अंदर भी आ सकती है, और न्यूमेरिकल्स तो इनके ऊपर बहुत सारे होंगे जो हम आगे अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये आपने इतना काम करना है, ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन डिराइव करना आपको आना चाहिए। ओके, तब तक आप इसको कंटिन्यू रखिए, हैव ए गुड डे।